दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाना हो या मीटिंग ज्वाइन करनी हो लेकिन आपके पास वेबकैम नहीं है, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है हमारे पास। क्यों नहीं हम एंड्रॉयड मोबाइल के कैमरे को ही अपना वेबकैम बना लें, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से। इतना ही नहीं, आप हैंगआउट या फेसबुक पर लाइव भी जा सकते हो। इस वीडियो में मैं लाइव प्रूफ दूंगा कि आप अपने घर के किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल को अपना वेबकैम बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको एंड्रॉयड मोबाइल में जाना होगा। एंड्रॉयड मोबाइल में जाने के बाद आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आप जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ सर्च मारना है ड्राइड कैम। ड्राइड कैम मारेंगे सर, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको इस तरह से कुछ लोगो आपको दिखा देगा। यहाँ पर ड्राइड कैम वायरलेस वेब कैम, आप वायरलेस से ही और USB केबल से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा वायरलेस कनेक्ट करके, और जो है अपने स्काइप जूम हैंगआउट कैमरा को टेस्ट करके दिखाऊंगा लाइव वेबकैम यूज़ हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए, यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ ओपन करना होगा। वायरलेस यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना होगा। जैसे आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप एक नेटवर्क से कनेक्ट है, तो वही नेटवर्क से आपको वो मोबाइल भी कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास जो है यहाँ पर ये कनेक्ट है, ऑडिबल टेक के नेटवर्क से कनेक्ट है, तो आपके सिस्टम में भी आपके ऑडिबल टेक के कनेक्टेड होगा, यानी कि सेम नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पे आ जाते हैं एप्लीकेशन के पास। एप्लीकेशन को क्या करना होगा, ओपन करना होगा अपने। ओपन करने के बाद आपको करना होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से फिर गॉट इट पे कर देंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अगर आप अपने विंडोज से ओपन करोगे एप्लीकेशन, वहाँ विंडोज में इंस्टॉल करना होगा आपको। वहाँ से अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है वाईफाई आईपी, मोबाइल के वाईफाई आईपी, वहाँ आईपी एड्रेस वहाँ आपको डालना होगा, ठीक है। यहाँ से गॉट इट पे करेंगे। गॉट इट पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है, आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। और यहाँ से फिर ऑडियो और वीडियो दोनों का परमिशन मांग रहा है, यहाँ से भी इसको अलाउ कर देंगे, ठीक है। अलाउ करने के बाद अब देख रहे हैं कि हमारे पास एक वाईफाई आईपी एड्रेस आ गई है, अब उसके ड्राइड कैम्प का पोर्ट नंबर आ गया है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको अपने सिस्टम में जाना होगा। मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको सिस्टम में भी वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उसके लिए अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। ब्राउज़र पे जाने के बाद आप लिखेंगे dev47apps, यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं पहला वाला लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आप देख रहे हैं आपके पास लिनक्स एंड विंडोज़ दोनों के लिए यहाँ पे है। यहाँ पे हम विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो है यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक कर देंगे। विंडोज़ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है, दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे लिख रहा है विथ एंड्रॉयड सपोर्ट, और यहाँ पे लिख रहा है विथ एंड्रॉयड एंड iOS सपोर्ट। यानी कि आप जो है यहाँ पे विथ एंड्रॉयड सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल पे क्लिक कर देंगे। आपके पास अगर आईफोन है तो आप जो है आईफोन को भी वेबकैम बना सकते हैं, उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। चलिए, मैं एंड्रॉयड पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड करना होगा। यह सिर्फ 1.48 MB की है एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल भी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, आ जाते हैं उस एप्लीकेशन पे। आपको करना क्या है, ये देखिए हमारे पास ये एप्लीकेशन है, यहाँ इसको राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये ब्लैंक मिलेगा, मैंने ऑलरेडी पहले से टेस्ट किया था यहाँ पे, इसलिए आईपी एड्रेस वगैरह आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक मिलेगा। यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है। यहाँ पे पहला है कि वायरलेस, यहाँ से डेटा केबल के लिए, ठीक है। अगर आप USB यूज़ करते हैं, USB से मोबाइल को कनेक्ट करके वेबकैम यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम वायरलेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप वायरलेस पे क्लिक करेंगे, बट यहाँ पे शर्त यह है कि आपको सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होना चाहिए, आपका सिस्टम आपका मोबाइल, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे देख रहे हैं डिवाइस आईपी, आपने जो मोबाइल में डाउनलोड किया था वो एप्लीकेशन, वहाँ से आपको डिवाइस आईपी निकालना है, ठीक है। यहाँ हम आते, देखिए हमारे पास डिवाइस आईपी यहाँ पे जो आ रहा है मेरे मोबाइल में, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है ड्रॉइड पोर्ट, ड्रॉइड कैम पोर्ट। आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ड्रॉइड कैम पोर्ट, यहाँ पे आपके मोबाइल में ही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देते हैं ड्रॉइड कैम पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास वीडियो एंड ऑडियो का, ठीक है। अगर आप मोबाइल के वेबकैम सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ यहाँ वीडियो पे क्लिक करेंगे। अगर आप जो इसकी ऑडियो भी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑडियो पे क्लिक करके
स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे अब सिर्फ और वीडियो पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे ऑडियो नहीं चाहिए, सिर्फ कैमरा चाहिए। यहाँ से इसको अनचेक कर देते हैं, यहाँ से फिर स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं आपका जो है आप कैमरा ऑन हो चुका है, बट यहाँ पर देख रहे हैं आपका बैक कैमरा ऑन है। ठीक है, इसको करना क्या होगा, आपको फ्रंट कैमरा लाना होगा। अगर आप फ्रंट कैमरा लाना चाहते हैं तो आपको इसका क्या करना है, इसके सेटिंग में जाना होगा, मोबाइल के सेटिंग में, वहां से आपको सेटिंग चेंज करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट कैमरा कैसे लेकर आएंगे। यहाँ से आप अपने मोबाइल पे जाएंगे, मोबाइल पे जाने के बाद यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर थ्री डॉट्स है, ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ देख रहे हैं कैमरा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं बैक और फ्रंट, हमारा फ्रंट कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक कर देंगे। फ्रंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फिर से बैक जाएंगे। अब आपको फिर से लॉगिन करना होगा, आपको यहाँ ड्रॉइड पे क्लिक करना है और यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से वही आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, आपको यहाँ से फिर यहाँ पे स्टार्ट करना है क्लिक। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है मोबाइल का वेब कैम ऑन हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप मोबाइल में दिखा रहा हूँ, साइड में यहाँ पे आपके सिस्टम में भी दिखा रहा है। इस एप्लीकेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप जो है मोबाइल को लॉक कर देंगे तो भी ये जो है इसका कैमरा ऑन रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको लॉक कर देता हूँ, जैसे ही लॉक किया तो देख रहे हैं आपका जो है कैमरा ऑन है, अभी भी ऑन है। ठीक है, चलिए मैं आप क्या करता हूँ, आप जो है आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा हैंगआउट्स स्काइप एंड जूम मीटिंग पे इसका कैमरा ऑन करके। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना है। सबसे पहले हैंगआउट पे दिखाते हैं आपको, हैंगआउट को ओपन कर लेता हूं मैं। हैंगआउट को ओपन करने के बाद आप यहां पर देख रहे हैं आपका वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे जो लैपटॉप का जो वेबकैम है वो बाय डिफॉल्ट ओपन हो गया है। ठीक है, अगर मान लिया अगर अपने सिस्टम से लॉग इन है तो वहां कैमरा नहीं ओपन होगा, ये ब्लैंक रहेगा। ठीक है, अब उसको करना क्या होगा, आपके मोबाइल का वेबकैम यूज करने के लिए आपको करना होगा यहाँ से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एरो बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप मिल जाएगा ड्रॉइड कैम सोर्स। ड्रॉइड कैम सोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका जो मोबाइल का मोबाइल से जो वेबकैम यूज हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, यहाँ से इसको फिर क्या करना है, यहाँ से डन कर देना है। अगर आप इसका मोबाइल का जो है वेबकैम के अलावा आपको ऑडियो भी यूज़ करना चाहते हैं, माइक्रोफोन भी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से माइक्रोफोन को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पहले स्टार्ट करने टाइम में ऑडियो सेलेक्ट किया होता तो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से सिर्फ कैमरा दिखा रहा हूँ, यहाँ से उसको डन कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ से आप किसी भी तरह टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपका जो है हैंगआउट्स में भी आपका वेबकैम मोबाइल का वेबकैम यूज़ हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ आप जूम एप्लीकेशन पर दिखाते हैं इसका वेबकैम यूज़ करके। यहाँ आ गए आप, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम टेस्ट करके। यहाँ पे मीटिंग पे जाएंगे, मीटिंग पे जाने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ नीचे देख रहे हैं स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट हमारे लैपटॉप के जो वेबकैम ऑन हो गया है। ठीक है, अगर आप सिस्टम से लॉग इन है तो आपको करना क्या होगा, आपको जो है यहाँ से नीचे आपको एरो बटन है वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉइड सोर्स कैम 3। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये मेरा मोबाइल का वेबकैम जो यहाँ आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ आ रहा है जो एकदम लाइव आ रहा है, कोई भी आपके आगे पीछे नहीं हो रहा है वेबकैम में, एग्जैक्ट सेम टाइम में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप जूम मीटिंग में भी आपको यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं इसके मोबाइल का, बट यहाँ पे मैंने ऑडियो सेलेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे बस सिर्फ वीडियो ही दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब स्काइप पे हम चेक कर लेते हैं मेरा वेबकैम यूज़ हो रहा है या नहीं। यहाँ से राइट क्लिक करके स्काइप को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे, ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ वीडियो कॉल पे क्लिक करना है। वीडियो कॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपका फिर से बाय डिफॉल्ट हमारे लैपटॉप का ओपन हो रहा है। अपना वेबकैम यूज़ करने के लिए आपको करना होगा यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं ऑडियो एंड वीडियो सेटिंग्स है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन में आ रहा है इंटीग्रेट वेबकैम। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा अपने मोबाइल का और लैपटॉप का। ठीक है, हमारे पास लैपटॉप का है ऑलरेडी, यहाँ पे दिखा रहा है इंटीग्रेट वेबकैम। हम यहाँ से अपने मोबाइल का वेबकैम यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रॉइड कैम सोर्स 3 पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा वेबकैम, हमारे मोबाइल का वेबकैम हमारे लैपटॉप में ही आ गया है। ठीक है दोस्तों, आप जो है इसी तरह से अपने वेबकैम को यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। आप जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे जूम हो, स्काइप हो, आपने लाइव देख चुके हैं यहाँ पे
ठीक है, आप फेसबुक पे भी लाइव जा सकते हैं अपने वेबकैम से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपने घर के एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन मोबाइल को वेबकैम बना सकते हैं अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।